श्रुति देख, अभी मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकती। आज तो तुझे जवाब देना ही होगा। ऐसी कौन सी बात है जो तुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है? मैंने कहा ना कि अभी मैं तुझे कुछ नहीं बोल सकती। सही वक्त आने दे, मैं तुझे खुद ही सब कुछ बोल दूंगी। कब आएगा तेरा सही वक्त? आजकल ना तो तू कॉलेज आती है और ना ही मेरे घर। आज तो तुझे बताना ही होगा। कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ये मजाक का वक्त नहीं है श्रुति, दरअसल मुझे। चल जाने दे। बता ना क्या हुआ है ऋचा, मुझे नहीं बताएगी? एक्चुअली श्रुति, मुझे कुछ ऐसे लोगों के बारे में पता चला है जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं। व्हाट? गैर कानूनी काम? तू बोल क्या रही है? मैं सच कह रही हूँ श्रुति, आजकल दिन रात मेरे दिमाग में यही बात चल रही है और अभी मैं इन लोगों के बारे में सीआईडी को बोलने जा रही हूँ। ऋचा देख, तू इन सब चक्रों में मत पड़, अगर तुझे कुछ हो गया तो। हाँ लेकिन किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी ना श्रुति। तू पहले मुझे पूरी बात डिटेल में बता, कौन है ये लोग? ये सब बातें मैं तुझे फोन पे नहीं बोल सकती, हम लोग मिलते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, तो तू आज शाम को मेरे घर पर आ रही है, डन? जानती हो जानेमन, तुम मेरी जिंदगी में पहली और आखिरी लड़की हो जो मेरी स्पेशल कार में बैठी हो। अच्छा, ये स्पेशल डायलॉग और कितनी स्पेशल लड़कियों को सुना चुके हो तुम? रीटा, सुनीता, शीला, मुन्नी, अर्चना, पूजा, कुल मिला के 47 लड़कियां। अब इतने भी हैंडसम नहीं हो तुम कि तुम्हारे पीछे 47 लड़कियां हैं। ठीक है, आज शाम को मैं तुझसे मिल रही हूँ, डन। हाँ बाबा, बोला ना मैं मिल रही हूँ तुझे। ओह गॉड, लगता कोई एक्सीडेंट हुआ है। हेलो ऋचा, कहाँ पे? हेलो, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो 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 हेलो, ओनो ये ना मर चुकी है क्या? हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? अब ऋचा कहाँ है? चीन का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? कहाँ पे? MI रोड पे। वो ठीक तो है ना? आप प्लीज उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, मैं थोड़ी देर में पहुंचती हूँ। चूंकि क्या हुआ, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? वो अब नहीं रही। क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऋचा नहीं मर सकती। मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। सुनो, एम्बुलेंस को फोन करो। हेलो, CID? सर, मैं ही हूँ श्रुति और मैंने ही आपको फोन किया था। मेरी फ्रेंड ऋचा का मर्डर हुआ है। आपको क्यों लगता है कि ये मर्डर है? सर पता नहीं, वो कह रही थी कि उसके पास कोई गैर कानूनी लोगों के खिलाफ सबूत है जो कि वो आप ही के पास लेकर आने वाली थी। वो सबूत कहाँ है, कुछ बताया उसने? नहीं सर, मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, आप लोग यहीं खड़े रहिए। हेलमेट पहन रखा था उसके बाद भी इतनी जबरदस्त चोट। तो हेलमेट तो पहना था लेकिन ये स्ट्रैप का लॉक टूटा हुआ है। अगर ये लड़की हमें कुछ देने के लिए आ रही थी तो ये सबूत यही कहीं होना चाहिए। लेकिन जरा ढूंढो यहाँ आसपास। बाइक के सामने का हिस्सा तो एकदम तहस नहस हो गया। सर, हमारी गाड़ी वहाँ गली में पार्क थी कि अचानक से एक जोर की आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो लड़की यहाँ खून में लता सड़क पर पड़ी हुई थी।
अच्छा एक्सीडेंट के बाद आप लोगों ने किसी गाड़ी को जाते हुए देखा यहाँ से? सर गाड़ी तो कोई नहीं जाते जाते देखी, लेकिन एक बहुत तेज आवाज आई थी सर। अगर यहाँ से कोई गाड़ी आते जाते नहीं देखी तो फिर स्कूटर टकराया किससे? पता नहीं सर। सचिन इस लड़की के साथ यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है अभी पता चलेगा। तो सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तुम अमरपुर भी जाके चेक करो इस कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं। सर ये पर्स मिला है, रोड के साइड पड़ा था। और सर ये पर्स खुला हुआ था सर, और ये सब सामान बिखरा हुआ था। कहीं किसी ने कोई चीज निकाल तो नहीं दिया पैर में से? मगर सर पर्स में पैसे वैसे के वैसे हैं। ये 3:45 का फुटेज दिखाई है जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। एक मिनट जरा आप स्पीड स्लो करके दिखाई। ओके तो इस पॉइंट पर रचा का एक्सीडेंट हुआ। एक बात समझ में नहीं आ रही कि एक्सीडेंट हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि फ्रेम में और कोई गाड़ी या बाइक तो नहीं दिख रही। फिर से देखा जरा। पॉज करो। तो ये रहा रिचा की मौत का पहला आई विटनेस। सर इसने ये एक्सीडेंट इतने करीब से देखा है, फिर भी ये लड़की की मदद के लिए रुका नहीं। सरा से भी इंसानियत नहीं है इसमें। लगता है पूर्वी रिचा की मौत में इस आदमी का हाथ है। कैसे भी करके इस बाइक वाले तक पहुंचना पड़ेगा। जहां पे वो बाइक वाला था उसी पॉइंट से दिखाओ। एक मिनट पॉज करो। अब जूम करो और छोड़ो। पूर्वी देखा इसका नंबर प्लेट है? पर नंबर साफ दिखाई नहीं दे रहा। अभी पता चल जाएगा। जूम करो इस नंबर प्लेट पे। ये है इस केस की पहली कड़ी, बाइक नंबर ZYR 118। इसके अलावा तो और कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है। वही एक कारण है सर, इसने हेलमेट नहीं पहना था। मैं लोगों को कह कह के थक गया कि हेलमेट पहनो, मगर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो फ्रेडे, बिना हेलमेट पहने गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। और शराब पी कर तो बिल्कुल भी नहीं। सर रिपोर्ट्स। क्या रिचा ने शराब पी रखी थी? जी हाँ बस, इसके ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस हैं। ये तो क्या कह रहा है साळुंखे, एक कॉलेज जाने वाली लड़की उसने शराब पी थी? अब यार ब्लड रिपोर्ट तो यही बता रही है। समझ में नहीं आता यार, ये आजकल इन बच्चों को हुआ क्या है? जिस वक्त रिचा को कॉलेज में होना चाहिए था उस वक्त तो शराब पी के स्कूटर चला रही थी। मतलब सर रिचा की मौत एक खून नहीं है, शराब पीने की वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत। फिर भी रिचा की दोस्त श्रुति ऐसा क्यों कह रही है कि एक्सीडेंट नहीं खून है? एक बात और बस, कम ये देखो बस, आयरन पार्टिकल्स मिले। इसका मतलब ये स्कूटर किसी लोहे की चीज से टकरा। मगर वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे स्कूटर टकरा था। यार सचिन, जब एक बार मैंने कह दिया कि ये स्कूटर किसी लोहे की चीज से टकराया तो मतलब टकराया। सीसीटीवी फुटेज में जो मोटरसाइकिल है उसे ढूंढो, और मोटरसाइकिल चलाने वाले को भी ढूंढो। पता चल जाएगा रिचा का एक्सीडेंट हुआ था या खून। हाँ विवेक, क्या पता चला? आरटीओ वालों से उस बाइक का एड्रेस मिल गया सर। किसके नाम पर है बाइक? सर किसी आदमी के नाम पे नहीं है सर, एक रेस्टोरेंट के नाम पे, कैसल रेस्टोरेंट। कैसल रेस्टोरेंट? यस। तो इसका मतलब है खाना होम डिलीवरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लोग बाइक। यस सर। अच्छा वहां जाकर के पूछताछ करी तुमने? सर अभिजीत सर वहां पे गए हैं। सर सर ये मैं क्या सुन रही हूँ, रिचा के खून में से शराब मिली है? जी हाँ,
ये सच है। सर, मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। ऋचा शराब पीना तो क्या, शराब पीने वालों से भी नफरत करती थी। श्रुति, एक बात बता, क्या ऋचा कभी शराब नहीं पीती थी? नहीं, मेरा मतलब है तुमने कभी उसे शराब पीते हुए देखा कहीं पार्टी में हो? नहीं सर, उसने तो कभी शराब को छुआ तक नहीं है। सर, कहीं सालुंखे साहब की रिपोर्ट गलत तो नहीं? नहीं सचिन, सालुंखे की रिपोर्ट कभी गलत नहीं हो सकती। अगर ऋचा ने शराब नहीं पी है तो इसका मतलब है ऋचा को किसी ने धोखे से शराब पिलाई है। धोखे से? सर, ऐसा तो वही आदमी कर सकता है जो ऋचा का जान पहचान वाला हो। हो सकता है? क्यों श्रुति, क्या लगता है तुम्हें कौन हो सकता है? पता नहीं सर, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो कॉलेज नहीं आ रही थी और इनफैक्ट मुझसे मिली भी नहीं थी। श्रुति, इफ यू डोंट माइंड, ऋचा का किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था क्या? सर, जहाँ तक मुझे मालूम है, नहीं। नहीं? श्योर? हाँ सर, ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। अच्छा श्रुति, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी कैसल रेस्टोरेंट का नाम सुना है? कैसल रेस्टोरेंट? हाँ सर। ऋचा कभी गई है उस कैसल रेस्टोरेंट में? हाँ सर, बहुत बार, और वो तो उसका फेवरेट रेस्टोरेंट था। कैसल रेस्टोरेंट ऋचा का फेवरेट रेस्टोरेंट था? हाँ सर, इनफैक्ट वहाँ का मसाला डोसा और ग्रास हॉपर शरबत उसका फेवरेट था। अच्छा, कैसल रेस्टोरेंट। सचिन, कैसल रेस्टोरेंट की मोटरसाइकिल एमआई रोड पर ऐसे ही नहीं थी, उस बाइक का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है ऋचा की मौत के साथ। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? लेकिन यहाँ क्यों? ZYR118, ये बाइक आपके रेस्टोरेंट की है? हाँ, लेकिन मोटरसाइकिल मिल गई इतनी जल्दी? मिल गई? क्या मतलब? मैंने कल ही तो रिपोर्ट लिखवाई थी मोटरसाइकिल चोरी होने की, और इतनी जल्दी आपको मोटरसाइकिल मिल गई? मानना पड़ेगा सीआईडी को। ये बाइक चोरी हो गई थी? हाँ, मिली नहीं? नहीं, अभी मिली नहीं है। लेकिन ये चोरी कैसे हुई थी? हम बाइक की चाबियां तो काउंटर पे रखते हैं, कोई उठा के लेके गया होगा। कोई यही का ही आदमी होगा, और क्या? शायद होगा कोई, लेकिन सीआईडी वाले बाइक ढूंढते यहाँ पे आ गए। हम यहाँ खून के सिलसिले में आए। खून? किसका खून सर? इस लड़की का। ये आपके रेस्टोरेंट में अक्सर आती थी ना? इससे क्या हुआ सर, ये तो ऋचा है, कल दोपहर को आई थी। ये कल कितने बजे आई थी यहाँ? यही कोई सवा एक डेढ़ बजे। डेढ़ बजे? और सर, ये ऋचा की मौत 3:45 बजे के आसपास हुई थी। अच्छा, ये ऋचा यहाँ से कितने बजे निकली थी? करीबन 1 घंटे के बाद। मतलब 2:30 बजे? हाँ, 2:30 बजे। और यहाँ से MI रोड पहुँचने में 15 मिनट लगते हैं, 2:30, 3:15। सर, फिर तो ऋचा के खून से जो शराब हमें मिली है वो उसने यही पी होगी। सर, हमारे पास शराब का लाइसेंस भी नहीं है, तो हम उसे शराब कैसे पिला सकते? उसने तो ग्रासों पर शरबत पिया था। ग्रासों पर शरबत? हाँ। हो सकता है यहीं का कोई आदमी हो जिसने उसके शरबत में शराब मिला दी। एक बात बताइए, ये ऋचा यहाँ अकेली आई थी या उसके साथ में कोई और भी था? वो अपने दोस्त राहुल के साथ आई थी, अक्सर वो उसके साथ ही यहाँ आती है। ये राहुल के साथ बैठी थी तो कुछ गड़बड़ लगा? कुछ परेशान लग रहे हो दोनों, या फिर कुछ खास बातचीत? हाँ, उन दोनों में बहसबाजी हुई थी। बहसबाजी? किस बात पे? वो तो मुझे मालूम नहीं मैडम। अच्छा, उस वेटर को बुलाइए जिसने उन्हें सर्व किया। मन्नू? हाँ, वही, जो भी हो। सर, वो आज काम पे आया नहीं। काम पे नहीं है? कहीं वही तो नहीं है जो बाइक उड़ा के ले गया? नया लड़का है, 10 दिन पहले ही रखा था, शायद उसका ईमान डगमगा गया होगा। अच्छा, आप जरा वो जगह दिखाइए जहाँ पे आप ये शरबत वगैरह बनाते हैं। ऋचा की लाश यहाँ पर पड़ी थी, उसका बाइक यहाँ इस जगह पे, मतलब करीब 10 फीट दूर। इसका मतलब है उसका एक्सीडेंट यहाँ पर कहीं हुआ होगा। उस बाइक को यहाँ पे किसी चीज से टकराया गया। सर, यहाँ पे ना कोई स्पीड ब्रेकर है, ना कोई पत्थर वगैरह। ऋचा का स्कूटर टकराया तो टकराया किस चीज से? किसी ना किसी चीज से तो टकराया उसका बाइक। और डॉक्टर सालुंखे ने बताया ना, डॉक्टर सालुंखे की बात को नकारना मतलब प्रॉब्लम को बुलावा देना। सर, बहुत जल्दी सीख रहे हो तुम। सर, ये भी तो हो सकता है कि कोई आदमी यहाँ आसपास छिप के बैठा हो और उसने कोई चीज फेंक के मारी ऋचा की तरफ।
जिससे उसके स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया। सर उस दिन हमें ऐसी कोई चीज मिली नहीं, अगर होती तो मिलती। हो सकता है बाद में किसी ने उठा लिया, कहीं से एक्सीडेंट की जड़ ये तो नहीं। श्रुति का अंदाजा सही निकला, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया, सोचा समझा मर्डर है। क्या मतलब सर? कोई आदमी यहाँ पे छिप के बैठा हुआ और जैसे ही रिचा का स्कूटर आया उसने बाहर निकल के रिचा का एक्सीडेंट करवा दिया। सर अगर कोई आदमी इस नाले में छिप के बैठा था तो उसे पता कैसे चला होगा कि रिचा का स्कूटर आ रहा है? उस बाइक वाले ने उसे बताया होगा, इसने कैसल रेस्टोरेंट से तो बाइक चोरी की थी, और ये काम किसी एक आदमी का नहीं है, दो तीन लोग शामिल है। हो सकता है ये आदमी कोई म्यूनसिपैलिटी का आदमी हो, क्योंकि आम आदमी तो इस तरह नाले में नहीं घुसे। एक काम करो, म्यूनसिपैलिटी से पता करो कि कल दोपहर को उनका कोई वर्कर यहाँ इस नाले में काम कर रहा था क्या। सर यहाँ कोई शराब की बोतल नहीं है। अब तो आपको विश्वास हो गया ना सर? आप कह रहे थे कि रिचा ने ग्रास हॉपर शरबत पिया हुआ है। हाँ, उसमें क्या क्या चीज डालते हैं आप? ये सब चीजें सर। ये चीजें डालते हैं आप उसमें? कुछ और भी पड़ता है शरबत में? हाँ सर, रिचा को शरबत में नींबू का फ्लेवर भी पसंद था। नींबू फ्लेवर? हाँ। उसकी बॉटल दिखाइए। अरे अमित, सांप को लाइम जूस का बॉटल देना। इसमें भी नहीं है। देखिए मैंने ये सांप रिचा के शरबत में अल्कोहल यहीं से मिलाया गया है। रिचा बैठी कहाँ थी? वहाँ कॉर्नर वाले टेबल पर। कॉर्नर वाले टेबल पर? इसका मतलब वो मनु शरबत लेके टेबल की तरफ यहाँ से गया होगा। अल्कोहल? ये कैसे हो सकता है सर? ये हो गया है मैनेजर साहब, ये हुआ है। रिचा के शरबत में अल्कोहल यही मिलाया गया है, इस बॉटल से। आप कह रहे थे कि राहुल और रिचा के बीच में कुछ बहस हो रही थी। हाँ। ये राहुल कहाँ रहता है आपको मालूम? नहीं सर, उसने कभी होम डिलीवरी नहीं करवाई थी सर, लेकिन हाँ वो अपना पेमेंट अक्सर क्रेडिट कार्ड से किया करता था। क्रेडिट कार्ड? ये अच्छा हुआ। आप जरा उसकी डिटेल हमें दीजिए और मनु, इस मनु का एड्रेस दीजिए जरा। अच्छा, आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं? ठीक है, एक काम कीजिए, आप MI रोड के सीवेज सिस्टम का नक्शा भेजिए मुझे। जी हाँ, MMS की कर दीजिए। ओके, हाँ इसी नंबर पे। थैंक्स। ओके सर, पता चल गया सर, ये म्यूनसिपलिटी वाले सिर्फ सैटरडे और संडे को साफ करते हैं नाले। अच्छा, फोन तो कल हुआ है, कल तो मंगलवार था। उन्हीं को अच्छी तरह से मालूम था कि उसके पास हफ्ते में 5 दिन इस नाले के अंदर जाकर अपने जुर्म को अंजाम देने के लिए, क्योंकि म्यूनसिपैलिटी वर्कर तो हफ्ते में से 2 ही दिन शनिवार और इतवार को इस पाइप के अंदर जाते हैं। ये खूनी अच्छी तरह से जानता था कि ये लड़की MI रोड से ही होके निकलने वाली है CIDP, इसीलिए उन लोगों ने यही नाला छोड़ा। और सोच समझ कर प्लान किया गया है। और सर उन लोगों ने रिचा का एक्सीडेंट कराया कैसे होगा? निखिल, रोड पे तुम्हारा स्कूटर जा रहा और अचानक जमीन से लोहे की रॉड निकल के सामने आ जाते हो, क्या होगा? एक्सीडेंट ही होगा ना सर। खूनी खून करने के बाद इस गड्ढे से तो बाहर नहीं निकला होगा, बल्कि कोई और ही रास्ता चुना होगा। अंडरग्राउंड सीवेज लाइन का नक्शा मंगवाया? तो देखिए, हाँ सर आ गया, ये देखिए, ये नाला 3 जगह पे निकलता है, MI रोड, ये गोकुल रोड और ये कराड़े रोड। सर MI रोड तो यही है, ये तो हो नहीं सकती, फिर बची गोकुल रोड और कराड़े रोड।
लोकल रोड बहुत ही भीड़भाड़ वाला इलाका है, कराड़े रोड हो सकता है, सुनसान जगह है। लगता है ये आदमी कराड़े रोड से ही बाहर निकला है। सर, मैं रिचा को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। ये डायलॉग आजकल फिल्मों में भी नहीं चलता। सर, मैं उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये डायलॉग भी पिटेगा। सर, मैं वाकई उसे बहुत चाहता था। बंद करो ड्रामेबाजी। कल दोपहर को तुम लोग कासल रेस्टोरेंट में एक साथ बैठे हुए थे, 2:30 बजे तुम लोग वहाँ से निकले और 2:45 बजे रिचा की मौत हो गई, और वहाँ पे तुम लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। किस बात पे हुआ था झगड़ा? सर, मैं तो उसे शादी करना चाहता था। तो वो सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। तो इसलिए खून कर दिया उसका? नहीं सर, नहीं, मैंने खून नहीं किया। सर, झगड़ा किस बात पे हुआ था तुम्हारा? सर, मैंने तो बस उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। सर, उसने कहा कि उसके पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। वक्त नहीं? क्या मतलब क्या था उसका? सर, उसकी किसी करीबी इंसान की जान खतरे में थी। किसकी किसकी जान खतरे में थी? सर, मुझे नहीं पता, मैंने पूछना चाहा तो वहां से चली गई। सर, जिस वक्त रिचा की मौत हुई उस वक्त तुम कहाँ थे? मैं रेस्टोरेंट से सीधा ऑफिस चला गया था, एक जरूरी मीटिंग थी मेरी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप वहां जाके पूछ लीजिए। सर, ये रहा सीवेज, कराड़े रोड वाला। तो मैनुअल खुला है, यही से भागा है वो। सर, अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना कोई रॉड है ना कोई हथियार। अरे, यहाँ आसपास ढूंढो। ये देखिए, लगता है ये वही रोड है जिससे रिचा का एक्सीडेंट करवाया गया। पेंट भी लगा है यहाँ पर। इस रोड पे उस खूनी की उंगलियों के निशान जरूर मिलेंगे। सर, मनु का एड्रेस तो नकली था, अब शायद इस स्केच को ही दिखा के पता चल जाए कि वो कहाँ छुपा बैठा। और छुप कर बैठेगा भी कहाँ, वो भी हमसे। साइन रोड पे किसकी उंगलियों के निशाने पता चल गया है? कोई पुराना ही पापी होगा ये, है ना? यस सर। बोले, रघु नाम है इसका सर, सुपारी लेके लोगों का खून करता है। अरे, लेके लोगों का खून करता है? इस कॉलेज में जाने वाली बच्ची रिचा का खून करने के लिए किसी ने इस रघु को सुपारी क्यों दी? सर, ये रिचा श्रुति को जिन मुजरिमों के बारे में बताने वाली थी, हो सकता है वो खतरनाक आदमी हो। सर, हाँ सचिन, ये रिचा उसके बारे में कुछ जान गई थी और इसीलिए रिचा का काम तमाम कर दिया। और इस तरह से मारा के सर, ये एक्सीडेंट लगे और हम उन तक पहुंच ना पाए। हाँ विवेक, और क्या पता चलता है इसके बारे में? सर, इसमें ये भी लिखा है कि उसका एक पार्टनर भी है जिसके साथ वो सारे जुर्म करता था। पार्टनर है? क्या नाम है उसका? विक्रांत सर। ये रही उसकी फोटो। तो ये है विक्रांत। इसका एड्रेस वगैरह है क्या? स्केच तैयार। बिल्कुल सही बनाया स्केच। हाँ सर, कमाल कर दिया आपकी स्केच आर्टिस्ट ने। मनु बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। अरे वाह, ये है मनु? हाँ। एक मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है ये चेहरा जाना पहचाना है? कहाँ देखा है मैंने इसे? ओह, अब आया ध्यान में। जरा इरेजर देना तो। अब देखो सर, ये तो
विक्रांत है, विक्रांत। ठीक है, अब दोनों जा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम सर। विक्रांत, विक्रांत उर्फ मनु। सर अब ये केस बिल्कुल साफ हो गया है, किसी ने विक्रांत और रघु को सुपारी दे ऋचा को मारने के लिए। हाँ, और फिर विक्रांत ने मनु बनकर कैसल रेस्टोरेंट में नौकरी पकड़ी वेटर की, ऋचा को मारने के लिए, क्योंकि वो जानता था कैसल रेस्टोरेंट ऋचा का फेवरेट रेस्टोरेंट है। सर, हाँ, राहुल सच बोल रहे, जिस वक्त ऋचा का खून हुआ उस वक्त राहुल अपने ऑफिस में था, मीटिंग में। ऑफिस से कंफर्म किया? हाँ सर। अच्छा, और ये ऋचा के घर वालों के बारे में क्या पता चला? नहीं सर, ऋचा के किसी भी दोस्त या उसकी सहेली को नहीं मालूम कि ऋचा का असली घर कहाँ है। अच्छा, ये पता चला कि ये ऋचा किस शहर से पढ़ने के लिए आई थी यहाँ पे? नहीं, अब सिर्फ इतना पता चला है कि ऋचा किसी सावित्री नाम की औरत के यहाँ पेइंग गेस्ट थी। सावित्री नाम की औरत के यहाँ पेइंग गेस्ट थी? तो फिर सचिन, सावित्री से जाकर मिलो। ऋचा पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान थी। उसने अपनी परेशानी की वजह बताई आपको? उसने परेशानी की कोई वजह नहीं बताई, पर उसकी जैसे प्यारी बच्ची मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, भला उसे कोई कैसे मार सकता है। ये ऋचा यहाँ कब से रह रही थी? ये कोई पिछले 6 महीने से। इस अनजान शहर में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं, वो मुझे अपनी माँ समझती थी। ऋचा और आपका रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता था, तो फिर आपको तो पता होगा ना कि उसकी जान को किससे खतरा था? किसी से भी नहीं, मैंने कहा ना आपसे, उसका कोई भी दुश्मन नहीं था। सर, ये देखिए, ऋचा के ड्रॉअर से मिली। इस लड़की को देख के लगता है कि ये किसी सड़क या फिर झोपड़ी में रहती होगी, लेकिन इसकी फोटो ऋचा के पास कहां से आई? अच्छा, ये इसे पहचानती है? नहीं, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। अच्छा, ये ऋचा के यार दोस्त या कोई सहेली घर में आते थे क्या? नहीं, कोई भी नहीं। मैंने रूम देने से पहले ही कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, विजिटर्स नॉट अलाउड। अच्छा, उसका एग्रीमेंट तो होगा ना, देख सकते हैं? एग्रीमेंट? जी हाँ, किसी को घर देने से पहले आप उसका साइन लेते हैं, कुछ आईडी प्रूफ कुछ तो करवाया होगा आपने? नहीं, तो मैंने उसका कोई एग्रीमेंट नहीं करवाया था। क्या, एक अनजान लड़की को अपने बिना एग्रीमेंट के घर में रख लिया? जिंदगी विश्वास पे चलती है, कागज के टुकड़ों से ज्यादा मुझे इंसान की आंखों पर भरोसा है जो कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, उसने अपना परमानेंट एड्रेस तो दिया होगा ना आपको? ऋचा अपने अतीत की यादों से दुखी हो जाया करती थी, मेरे लाख पूछने के बाद भी उसने ये भी नहीं बताया कि वो किस शहर से है। उसने कुछ तो बताया होगा अपने बचपन के बारे में? कहती थी कि वो ऐसी जगह से है जहाँ पुराने समय के बाजार गुलाबी हैं और वहाँ गर्मी भी बहुत पड़ती है। पुराने समय के बाजार गुलाबी हैं, गर्मी बहुत पड़ती है, कौन सी जगह हो सकती है, कौन सी जगह हो सकती है? जयपुर? हाँ सर, हो सकता है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, यानी गुलाबी नगरी। पता करते हैं कि ऋचा का परिवार जयपुर में कहाँ रहता है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी के खूने को सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। प्लीज संभालिए अपने आप को। मैम, आपकी बेटी ऋचा आपसे नाराज थी क्या, क्योंकि उसने किसी भी दोस्त या सहेली को आप लोगों के बारे में नहीं बताया? दरअसल ऋचा के पिता नहीं चाहते थे कि वो मुंबई जाए। ऐसा क्यों? वो चाहते थे कि ऋचा अपनी पढ़ाई जयपुर में ही पूरी करे, मगर ऋचा ऐसा नहीं चाहती थी। ऋचा के पिताजी ऋचा को बाहर पढ़ाई करने से क्यों रोक रहे थे? 2 साल पहले हमारी छोटी बेटी किडनैप हो गई थी और वो हमें आज तक नहीं मिली। ऋचा के पिता को डर था कि कहीं ऋचा भी हमसे छीन न जाए, और जिसका डर था वही हुआ है।
भगवान ने ऋचा को भी हमसे छीन लिया। क्या क्या नाम है आपकी छोटी बेटी का? निधि। निधि का कोई फोटो वगैरह है आपके पास? जी। क्या ये निधि है? आप जानते हैं इसे? सचिन सर, ये देखिए, ये फोटो हमें ऋचा के कमरे से मिली। ये तो मेरी बेटी निधि है। ये भगवान, क्या हालत हो गई है इसकी? कहाँ है ये? मुझे ले चलिए इसके पास प्लीज। प्लीज मुझे इसके पास ले चलिए सर। प्लीज मुझे इसके पास ले चलिए। हम ले चलेंगे आपको निधि के पास। हम ले चलेंगे निधि के पास आपको। आप शांत हो जाइए, बैठिए जरा, बैठिए। सचिन, ऋचा को पता चल गया था कि उसकी छोटी बहन निधि किन लोगों के कब्जे में है। और सर, ऋचा अब निधि की जान बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठी। हाँ, तो पता लगा ये निधि का फोटो किस स्टूडियो में डेवलप किया है। ये फोटो आपके यहाँ डेवलप की गई? जी हाँ, ये हमारे यहाँ डेवलप हुई थी। मगर बात कैसे? देखिए, बात काफी सीरियस है। अच्छा, ये बताइए कि ये फोटो डेवलप करने के लिए कोई लाया था आपके पास, या फिर आपने खींची फोटो? ये हमने नहीं खींची, मगर जो कोई भी आया था उसका नाम मैं रिकॉर्ड देखकर बताता हूँ। ये तो 10 दिन पहले डेवलप हुआ है। नाम क्या है इसमें? मिस ऋचा नाम लिखा हुआ है। ऋचा आपके पास सिर्फ यही फोटो लेके आई थी, या फिर और भी कोई फोटो लेके आई? और भी फोटो दिए थे, मगर सर ऋचा के घर में सिर्फ हमें एक ही फोटो मिली। बाकी की फोटोज कहाँ गई? पता है, बाकी की फोटोज खूनी ले गया। खूनी? किसका खून है सर? ऋचा का। ओ माय गॉड। ये ऋचा का एड्रेस होगा आपके पास? जी हाँ, एक मिनट। ये देखिए सर, मगर इसमें तो ऑफिस का एड्रेस। ऑफिस? अच्छा, ऋचा तो कॉलेज में पढ़ती थी। श्रम? ये तो वही संस्था है ना जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए आवाज उठाती है। ऋचा वहां काम करती थी। ये देखिए सर, ये है ऋचा का टेबल। यहीं बैठ के वो अपना सारा काम किया करती थी। अगर आपको एतराज ना हो तो हम ऋचा का टेबल चेक कर सकते हैं। आप यहीं खड़े रहे। इसमें एतराज की क्या बात है सर? ऋचा के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमारी संस्था आपकी पूरी तरह से मदद करेगी। थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि ऋचा इस एनजीओ के लिए कब से काम कर रही थी? यही कुछ 6 महीने से सर। बहुत मेहनत करती थी, एक अलग सा जोश था उसमें। इस देश के गरीब बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, उसे साक्षर बनाने का। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, ये इस फोटो को देखा है आपने कभी? नहीं तो, कौन है ये? ये निधि है, ऋचा की बहन। ऋचा की बहन? इस हाल में? बड़ी लंबी कहानी है ये। वैसे ऋचा ने आपको कभी निधि के बारे में बताया कुछ? उसे अपने परिवार के बारे में बात करना कभी पसंद ही नहीं था। सर। हाँ पूर्वी। सर, ऋचा के कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ है। कंप्यूटर में गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? सर, इस कंप्यूटर से सारी फाइल्स डिलीट कर दी गई है। कंप्यूटर से फाइल डिलीट की गई है? अच्छा, ये ऋचा के कंप्यूटर पे ऋचा के अलावा और कौन काम करता था? कोई नहीं सर। इनफैक्ट हम तो अपने हर एम्प्लॉय को अलग कंप्यूटर देते काम करने के लिए। हो सकता है ये ऋचा ने डिलीट की हो। नहीं मिस्टर विनोद, ये फाइल्स कल रात को डिलीट की गई हैं, ऋचा के मरने के बाद। ऐसा कैसे हो सकता है? इस कंप्यूटर में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से ऋचा की मौत हुई है। एक काम करो पूरी, इस कंप्यूटर को उठा लो, इसे ब्यूरो ले चलते हैं। सब पता चल जाएगा कि इस फाइल्स में ऐसा क्या था जिसे डिलीट किया गया है। कुछ पता चला? मिला कुछ? हो गया सर, बस 2 सेकंड सर।
मिल गया सर। सर रिचा के कंप्यूटर से जो आखिरी फाइल डिलीट हुई थी सर, वो खुल चुकी है सर। सर इसमें तो काफी सारे लोगों के नाम, पते और उम्र लिखे हुए हैं सर। इसमें तो बच्चों के नाम है, ये क्या? अमिता 9 साल, समीक्षा 7 साल, अनीता 8 साल, निधि का भी नाम है इसमें। सर एड्रेस तो सारे हिंदुस्तान भर से। हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सर कोई भी राज्य नहीं छोड़ा। हाँ सर, ये किस चीज की लिस्ट हो सकती है? विवेक, जैसे निधि का किडनैप हो गया है, उसी तरह इन सारे बच्चों का भी किडनैप किया गया है। इन सारे राज्यों के पुलिस में फोन करो और पता लगाओ बाकी बच्चों के बारे में। यस सर। सचिव, ये रिचा बच्चे चुराने वाले गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी जरूर। इधर निधि का फोटो दिखा। इस फोटो में निधि ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रही है। भीख मांग रही है ये। बस एक काम करो सचिन, बिल्कुल देर मत करो, निकल पड़ो। तुम लोग आसपास पता करो, किसी ना किसी ने तो निधि को जरूर देखा होगा। अरे सुनो भाई साहब। हाँ साहब। आपने इस लड़की को यहाँ पे देखा सिग्नल पे? ये तो इसी सिग्नल पे अपनी मांग की। पर साहब इसे 8-10 दिन से मैंने देखा नहीं साहब। इसलिए 8-10 दिन से? इसके साथ कोई होता था? साहब वो लोग बहुत खतरनाक है साहब, मैं किसी भी मुसीबत में फंस गया तो। कौन है ये खतरनाक लोग? साहब मुझे नहीं पता साहब। तुम्हें बताना होगा ये लड़की किसके साथ थी। अगर मैंने जुबान खोला ना तो मेरी जुबान काट देंगे साहब। और अगर तुमने नहीं बताया तो CID तुम्हें जेल में डाल देगी, समझा? CID? साहब CID से है साहब। हाँ बताओ कहाँ है लड़की? इसके बारे में जय बता सकता है साहब। अभी जय कौन है? वो जो ये तय करता है कि कौन से सिग्नल पे कौन सा लड़का भीख मांगेगा। जय कहाँ मिलेगा? ए, बस इतना ही कमाई लाए तू क्या कान के नीचे? खा खा के मोटा हो गया है, तभी तेरे को भीख नहीं मिल रही। अभी एक हफ्ता तू पानी पे जिंदा रहेगा, समझा ना तू? आजकल तेरे को बहुत चर्बी चढ़ गई है, उतारू क्या? समझ गया ना? कल से ना ज्यादा कमाने का, समझ गया ना? चर्बी उतार देगा मैं तुम दोनों की, समझा क्या? बच्चों से बात करने का सलीका नहीं है तुम्हें? किसी ने सिखाया नहीं? तू सिखाएगा मेरे को? हाँ सिखाऊंगा। पटले शाणे अवान दे, मैं तुझे ऐसी जगह पहुंचाऊंगा ना कि जिंदगी भर रोता रहेगा। अच्छा, रोने का टाइम तो अब तेरा आ गया। गलती हो गई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मैंने बच्चों से भीख मंगवाने की बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, मुझे माफ कर दीजिए साहब। सर बड़ी जल्दी से उतर गया ये तो। किसके लिए काम करता है? बाप कौन है तेरा? सब सब मर गया सर। सॉरी सर, वो पुलिस निकल गए। ओह नो, बाइक का नंबर देखा तुम? बाइक इतनी तेज भगाई कि मैं नजदीक पहुंच ही नहीं पाया सर। जरूर ये वही लोग होंगे जो बच्चों से भीख मांगवाते हैं। जय के घर से हमें जरूर कोई सुराग मिलेगा इस गैंग के बारे में। और सर हम इस जगह पर पहुंचेंगे कैसे? वो बच्चे बताएंगे हमें जय के घर के बारे में। मैं कुछ तरह चेक करो, और भी बच्चे हो सकते हैं।
सर। सर यहाँ अंदर एक कमरा है, बच्चे वहीं पे है। बच्चों को कोई नशीली चीज दी गई है, बच्चे होश में नहीं है। सर कहीं वो नशीली चीज ये ड्रग्स नहीं है? इन हैवानों ने बच्चों को काबू में रखने के लिए ड्रग्स की लत लगा दी है। निखिल एम्बुलेंस को फोन करो। यस छोड़ो इसे, सच सच बता यहाँ पे तेरे साथ और कौन कौन है, कितने बच्चे और यहाँ? सर मुझे मालूम नहीं सर। सच बता वरना डाल दूंगा तेरे को। सर इन बच्चों में निधि नहीं दिख रही है। देख ये तो सिर्फ एक अड्डा है, जाने इनसे कितने अड्डे हैं और उन अड्डों में जाने कितने बच्चे हैं, बता। सुन कल तुझे कोटपुतली जाना है। कोटपुतली क्यों? 3 नए बच्चों की डिलीवरी लेनी है तुझे। इस धंधे में तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। देख भाई हमारे साथ रहेगा तो ऐसे ही यश करेगा। बड़ा मजा। 6 महीने में कैसे क्या हो जाएगा? मन्नू और विक्रांत और विनोद तुम रिचा के साथ काम करते थे ना? उसे फंसाया तुमने? सर हम तो इस सर्कस के जोकर है। जोकर हमें क्यों मार रहे हैं? जोकर हो? हमारा रिंग बॉस कौन है? मनोज सर। कौन है मनोज? मंत्री सर वो हमारा बॉस है सर। बच्चों के हाथ पर काट कर वो ही उनसे भीख मंगवाता है, हम लोग नहीं सर। कहाँ है मनोज? ऊपर है सर, ऑपरेशन ऑपरेशन थिएटर में सर, ऊपर। जल्दी कर, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अभी और भी बच्चे हैं। ए, कोई अपनी जगह से नहीं रहेगा, कोई हरकत नहीं। सर निधि, निधि बेटा, निधि क्या किया है तुमने इसके साथ? कुछ भी नहीं किया सर मैंने। ए, बच्चे निधि
मर जाऊंगा। बच्चों को उठा ले जाता था, तो ख्याल नहीं है। सर मुझे इस काम पे कोई बुराई नजर नहीं आती थी, बहुत ही आसान तरीका था पैसा कमाने का, बच्चे चुराओ और पैसे कमाओ। पैसे कमाने का यही एक रास्ता बचा था, बच्चों से भीख मंगवा के तुम पैसे कमाओगे? बच्चों पे लोग ज्यादा तरस खाते तो ज्यादा पैसे देते, इसलिए ज्यादा कमाई होती। अगर प्रोटोकॉल नहीं होता ना, तो तेरा वो हाल करता कि गली का कुत्ता भी तुझे सूंघने नहीं आता। ने चचा को क्यों मारा? वो मेरे बारे में सब कुछ जान गई थी, मेरे काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसलिए उसे मारना जरूरी हो गया था। जंगल का कायदा कहता है हाथ के बदले हाथ, और तुम्हारी तकदीर अच्छी है कि कानून जंगल राज पे विश्वास नहीं करता। तुम्हें फांसी होगी, सिर्फ और सिर्फ फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।